गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका रिवीजन चल रहा है, यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, तो आपका देखिए आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 5 और 6 का रिवीजन करेंगे। चैप्टर 5 क्या है? गुणा। गुणा के देखिए उसकी जो विशेषताएं जो है, गुणधर्म की क्या, गुणधर्म क्या है इसके, दो या दो से अधिक संख्या उनका अगर हम क्रम चेंज कर दें, बदल दें, तो उसका गुणनफल नहीं बदलता है। दूसरा, किसी भी संख्या को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वही संख्या आएगी। तीसरा, किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे, शून्य से गुणा करेंगे, तो आंसर चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, शून्य से गुणा करेंगे तो आंसर शून्य ही आएगा, ठीक है। तो तीसरा फिर क्या है इसमें, किसी भी संख्या को 10, 20, 30 इनसे गुणा करते, यानी जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो दहाई के अंक से गुणा करके गुणनफल में दाई और शून्य लगा दीजिए। इसी तरह से 100, 200, 300 यानी दो शून्य वाली संख्याओं से गुणा करेंगे तो क्या होगा, उसमें गुणा करने के लिए सैकड़े के अंक से संख्या को गुणा कर दीजिए और फिर दाई तरफ दो शून्य लगा दीजिए। तो ये तो हो गए इसके गुणधर्म। आप देखिए इसमें निम्नलिखित के लिए गुणात्मक तथ्य लिखिए। इसमें गुणात्मक तथ्य का आप ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें नंबर एक है, जैसे 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 आप देखिए ये तो हो गए, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको गुणात्मक तथ्य में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 5, तो 5 लिखो। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी इसको 7 से गुणा करेंगे। आप देखिए 5 को अगर हम इस तरह से जोड़ते तो हमें लगेगा टाइम, और इसको इस तरह गिनके किया तो आप देखो 5 × 7 = 35 आ गया, मालूम है। ऐसे ही देखिए इसमें 7 + 7 + 7 + 7 आप देखिए कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 7 कितनी बार हो रही है, 4 बार, 7 × 4 = 28 आया। इसको कितने आराम से हम कर सकते हैं इसे। फिर देखिए ये आपको मैंने बता ही दिया, इसके गुणनफल का 100 से करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। और इसमें देखिए गुणा करने का तरीका, गुणा करना भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे गुणा किया जाएगा। जैसे आप लोगों को अब आ गया होगा, जैसे 442 है, इसको हम 775 से गुणा करें तो कैसे करते हैं, पहले इकाई के अंक से गुणा किया जाएगा, फिर दहाई के अंक से गुणा किया जाएगा, फिर सैकड़े के स्थान से गुणा किया जाएगा। अब देखिए 5 × 10 = 0 हासिल 1, 5 × 20 और 1 × 21 = 1 हासिल 2, 5 × 20 और 2 = 22 समझ में आया। अब देखिए इकाई के अंक से हमने गुणा कर लिया, अब दहाई के अंक से गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्रॉस कर देंगे। आप देखिए 7 × 14 = 4 हासिल 1, 7 × 28 और 1 = 29 हासिल 2, 7 × 28 और 2 = 30 दहाई के अंक से भी गुणा हो गया। अब हम करेंगे सैकड़ा के स्थान से गुणा, तो क्या करना है, इकाई और दहाई पे क्रॉस कर देंगे। अब 7 × 14 = 4 हासिल 1, 7 × 28 और 1 = 29 हासिल 2, 7 × 28 और 2 = 30 आप देखिए इसको जोड़िए 0, 5, 9, 2, 11, 11 और 4, 15 का 5 हासिल 1, 2 और 1 = 3, 3 और 9 = 12 हासिल 1, 3 और 1 = 4 और ये 3 ये गुणा करने का तरीका है। अब आपको प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है, ठीक है। फिर इसमें देखिए इसमें जो शब्दात्मक प्रश्न जो कैसे हैं, देखिए एक ट्रक में सीमेंट की 34 बोरियां रखी हैं, ऐसे ही 35 ट्रकों में सीमेंट की कितनी बोरियां रखी जाएंगी, यानी शाब्दिक जो प्रश्न है इसमें गुणा के जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक का आपको बताया दिया जाता है और ज्यादा का। देखिए इसमें एक ट्रक का आपको बता दिया 34 बोरियां हैं, तो 35 ट्रकों में कितनी बोरियां होंगी, तो 34 को 35 से गुणा किया जाएगा। तो ये इसका तरीका है इसमें शाब्दिक प्रश्न का। अब हम करते हैं एक्सरसाइज चैप्टर आपका 6 करेंगे, चैप्टर 6 करेंगे। इसमें देखिए क्या करना है, ये है भाग। भाग के भी गुणधर्म है, देखिए क्या है, दो संख्या है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देते तो क्या आता है, एक आता है। किसी संख्या को एक से भाग दे तो वही संख्या आएगी।
किसी भी संख्या को अगर हम शून्य से भाग देंगे तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसे करते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें उचित मिलान है 6.1 में जो दिया है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ और इसी से आधारित है ये सारे क्वेश्चन। तो अब आपको, और इसमें प्रश्न दो क्या है, निम्नलिखित गुणात्मक तथ्यों को भाजन तथ्य में लिखिए। गुणात्मक तथ्य है, गुणात्मक तथ्य तथ्य और फिर भाजन तथ्य। तो इसमें क्या होता है, देखिए गुणात्मक तथ्य आपको जैसे दे दिया 12 × 8 क्या होगा, 96। अब इसको भाजन तथ्य में लिखेंगे तो देखो, एक तो एक और ये दो, दो तरह से लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे 96 गुणनफल है तो 96 लिखो, और भाजन तथ्य एक बार इसको ले लीजिए 12, क्या आएगा 12 × 96 नंबर दो। फिर वापस से 96 लीजिए, और हमने एक बार 12 ले लिया, अब इस बार 8 ले लेंगे। जो संख्या बचती है वो उसका भागफल होता है। देखिए 96 से हमने 12 को भाग दिया तो ये संख्या बची, तो आंसर भागफल क्या है, 8। 96 से हमने 8 को भाग दिया तो क्या हुआ, 8, 96 को हमने 8 से भाग दिया तो भागफल 12 आया। तो ये एक तरीका है। फिर देख लीजिए, एक और ले लेते हैं हम, क ख आ गया। ख में देखिए क्या करेंगे, जैसे 6 × 15 क्या आएगा, 90। अब इसका ये भाजन तथ्य क्या होगा, देखिए भागफल सॉरी गुणनफल लिखिए 90, एक और 6 ले लेते हैं हम तो क्या आएगा, बचा क्या 15। ऐसे ही 90 को भाग दीजिए 15 से तो क्या आएगा, भागफल 6। ये इसका तरीका है। फिर है आपको ये भाग देना है, भाग देने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल है और आपको प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, ये बात तो पक्का है। देखिए जैसे हम करते हैं इसमें 1068 इसको हम भाग दें 6 से तो कैसे देंगे, देखो 6 एक अंक संख्या है तो हम एक ले रहे हैं पहले, तब से बाईं तरफ का तो एक, एक इससे छोटा है तो अब ऐसी कंडीशन में हम दो अंक का प्रयोग करेंगे, वो क्या होगा 10, तो 6 × 6 लिखेंगे, घटाए तो क्या बचा 4। अब 6 को नीचे लेके आइए, क्या हो गया 46। 46 से पहले, 46 तो नहीं आता, तो 46 से पहले कौन सा अंक नंबर आता है 6 के बारे में, 6 × 70 = 42 घटाए तो क्या बचा 4। अब 8 को नीचे लेके आइए 48, 48 6 की टेबल में आता है, 6 × 8 = 48 घटाया 0। ठीक है, ये तरीका है इसका। और देख लीजिए 2780 इसको हम 5 से भाग देंगे तो क्या, फिर वही फर्स्ट पहला अंक वो छोटा है इससे तो हम 27 का यूज करेंगे, 5 × 25 घटाया तो 2 बचा। अब 8 नीचे लाए, 5 × 25 घटाया तो क्या बचा 3, 0 नीचे लाए 5 × 30। तो ये तरीका है भाग करने का। आप देखिए इसमें मैं थोड़ा सा और दो अंकों की संख्या से भाग देना ये और बताती हूँ आपको, दो अंक की संख्या से भाग। तो देखिए जैसे 6.3 में आपको दिया हुआ है 65 से भाग दें हम इसको 8765 को। अब हम कहेंगे कि 65 की तो हमें टेबल ही नहीं आती है, नहीं आती मुझे भी नहीं आती है, तो क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में 65 को पहले अलग रफ पेज पे गुणा करके रख लीजिए, 2 से गुणा करिए, 3 से गुणा करिए, 4 से गुणा करिए, 5 से गुणा करिए, कम से कम इतना तो करके रखना पड़ेगा आपको, तब जाके आप करेंगे। 10 × 0 हाथ से ले, 6 × 12 = 13, 3 × 5 = 15 का 5 हाथ से ले, 6 × 6 = 18 = 19, 5 × 20 2, 6 × 6 = 24 और 2 × 26 तो 5 × 2 = 32। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमें 87 चाहिए तो 87 नहीं है क्योंकि 2 से गुणा करने पे 130 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 65 × 65 घटाएंगे तो क्या बचा 2 और ये 2। अब 6 को नीचे लेके आए तो क्या होगी संख्या 226। अब देखिए इसमें से 226 कहाँ आएगा, 226 नहीं आ रहा है इसमें, देखिए
तीन से गुणा किया तो 195 आया और चार से गुणा कर रहे हैं तो 260 आ रहा, यानी हम 195 लिखेंगे। तीन से लिखे और ये 195 लिखिए, घटाया तो क्या आएगा, 16 में से 5 घटाया तो 9 बचे और 11 में से 9 घटाया तो 2 बचे। अब 5 को नीचे लेके आइए, क्या आया 8। हाँ, ये 6 ने इसने हाथ से लिया तो 16 में से 5 घटाया तो 9 बचे और ये 1 बचा, 1 ने इससे ले लिया तो 11, 11 में से घटाए तो 2 बचे। तो अब क्या हुआ, ये 295। आप देखिए 295 आपको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो हमें क्या लिखना होगा, 260 लिख सकते हैं। 4 से गुणा किया तो 260 आया, 5 और ये 3, यानी भागफल ये हो गया और शेषफल, भागफल और शेषफल, भागफल क्या आया 134 और शेषफल 35। तो ये इस तरह से आपको भाग देना है। आप देखिए इसके शाब्दिक प्रश्न जो है, इसमें ये आपने जो गुणा किया उसका जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। गुणा के जो थे उसमें क्या था, एक का बता के और ज्यादा का पूछ रहे थे। अब इसमें ज्यादा का बता के भाग में क्या होता है, एक ज्यादा का बता के और एक का आपसे पूछेंगे। जैसे देखो 296 रुपए को 6 छात्रों में बराबर बांटने पर प्रत्येक छात्र को कितने रुपए मिलेंगे, प्रत्येक यानी एक को कितने मिलेंगे, एक एक को, है ना। तो क्या करेंगे, 396 को भाग देंगे 6 से। तो इस तरह से आपको ये करना है, देखिए 396 को भाग देंगे हम 6 से तो पता चल जाएगा कि प्रत्येक छात्र को कितने मिलेंगे। 6 × 36 घटाया 3, 6 × 36 यानी प्रत्येक को कितने मिले, 66 रुपए मिले। तो इस तरह से आपके ये जो क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं और प्रैक्टिस आपको करनी होगी और आप इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और करना आपको प्रैक्टिस पड़ेगा। तो आपका होमवर्क क्या है, डू प्रैक्टिस, ये रिपीट तो करना ही करना है, रिपीट CW एंड डू प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर, कौन से चैप्टर हैं आपके आ रहे हैं अभी, चैप्टर 3, 4, 5, 6 है आपके चैप्टर, प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 3, 4, 5, 6 फॉर यूनिट टेस्ट। ओके, थैंक यू।